तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे डीग से। दरअसल आज मुख्यमंत्री बच्चनलाल शर्मा का पुंछड़ी का लौटा दौरा है। श्रीनाथ जी मंदिर में मुख्यमंत्री ने अभिषेक कर दर्शन किया। सुबह से हम आपको लगातार वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने संतों से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया और आज गुरु पूर्णिमा है और ऐसे में अपने अपने गुरुओं से आशीर्वाद लिया जा रहा है, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई आम इंसान। इसके बाद सेवर के लुधावाई मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है। श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे, संतों से आशीर्वाद लिया, अपने गुरुओं को प्रणाम किया गया और ये दौर आज दिन भर चलता रहेगा क्योंकि हर कोई आज अपने गुरुओं के पास जाएगा, अपने ईष्ट के पास जाएगा, संतों के पास जाएगा, अपने आराध्य देव के पास जाएगा और आशीर्वाद लेकर उन्हें प्रणाम करेगा, उन्हें नमन करेगा। ये तस्वीरें बेहद खास है क्योंकि मुख्यमंत्री भी संतों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया। सेवर के लुधावाई मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है, उसको तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल पुंछड़ी का लौटा का दौरा, जहां मुख्यमंत्री ने श्रीनाथ जी मंदिर में अभिषेक कर दर्शन किए, पहली तस्वीर वही दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर संतों से मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद लेने की। ये बेहद अहम तस्वीर है, बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आज का दिन वाकई में बेहद खास। और जैसे कि देखा जाए तो कल श्रावण मास भी शुरू हो रहा है, सावन का महीना महादेव का महीना माना जाता है और सोमवार के दिन इसकी शुरुआत, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले गुरु पूर्णिमा, तो आज का दिन और ज्यादा खास हो जाता है। सहयोगी रवि कटारा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अहम जानकारी हमें दे रहे हैं वहां से, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। रवि, आप लगातार सुबह से जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें आपके जरिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, अब आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा, क्या रूपरेखा रहेगी, अभी तक जो हुआ उसके बारे में भी जरा जानकारी दीजिएगा मुख्यमंत्री के बारे में। देखिए, मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है, अभी जो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो है संत लोग हैं उनका आशीर्वाद लिया है, आशीर्वाद लेने के बाद मुख्यमंत्री जो है प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। उस प्रसादी ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात है गोवर्धन जो परिक्रमा मार्ग है उसको लेकर जो अधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री के आईएएस जो संदेश है वो है प्रकाश सर, तमाम वो अधिकारी हैं मौजूद हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। जिला कलेक्टर को उन्होंने अभी निर्देश दिए हैं कि वो एक बार दौरा करके उन्हें बताएं क्या क्या काम और गिरिराजी की इस परिक्रमा में हो सकते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री मीटिंग करने के बाद सीधा जब सेवर जाने का कार्यक्रम है, सेवर में जो कार्यक्रम है वहां पर संत भंडारे का आयोजन किया गया, भंडारे में भाग लेंगे। लोगों में बेहद उत्साह होगा क्योंकि जब भी अपने इलाके पहुंचते हैं तो फिर आम लोगों को भी निराश नहीं करते, अपने लोग सभी उनके एक परिवार जैसा ही एक हिस्सा मुख्यमंत्री मानते हैं और अब तो मुख्यमंत्री बनने के बाद और ज्यादा वो तस्वीरें खास निकल कर आती हैं, तो ऐसे में आम लोगों के बारे में जरा बताइएगा क्योंकि आज का दिन वैसे भी खास है और मुख्यमंत्री से मिलने की कितनी उत्सुकता नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के मिलने के लिए लोगों से सुबह ही साथ लगा रहा था, मुख्यमंत्री लगातार लोगों के साथ संवाद कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मुख्यमंत्री रात को भी देर रात्रि तक जो प्याऊ लगाई गई है वहां पर लोगों का अभिवादन किया और अभिवादन करने के बाद लोगों से मुलाकात करी। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री प्रत्येक व्यक्ति के साथ मिलना चाहते हैं जो परिक्रमा मार्ग में आ रहे हैं, वो भी रामा सामना करना चाहते हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री की कोशिश ये थी कि जो व्यक्ति आए कोई परेशान ना हो और सबसे रामा श्यामा हो जाए इस बारे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है। मुख्यमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले अभिषेक किया, अभिषेक करने के बाद जो गुरुजन है उनका सम्मान किया है। जी चलिए ठीक है, जैसे आपने कहा कि आगे लंगर का भी कार्यक्रम है, जो भंडारा रखा गया है वहां पे भी खासी संख्या में भीड़ होगी, तो किस तरह का वो आयोजन है, किसकी देखरेख में उसका आयोजन किया गया है, क्या आम लोग भी उसमें शामिल होंगे, इसके बारे में भी जरा बताइएगा। चलिए आगे भी उनसे जानकारी लेंगे। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, फिलहाल बहुत शुक्रिया रवि आपका। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब संतों से मिलकर उन्हें प्रणाम किया गया, उनसे आशीर्वाद लिया गया, ये बेहद खास तस्वीरें। अब सीवर की रुधावाई मंदिर जाने का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री बच्चनलाल शर्मा का पुंछड़ी का लौटा दौरा और ऐसे में श्रीनाथ जी के दर्शन, संतों का आशीर्वाद, बेहद खास तस्वीरें। हालांकि आज पूरे दिन भर ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी जब आम और खास अपने संतों को, अपने गुरुओं को, अपने आराध्य को प्रणाम करते नजर आएंगे।